लेकिन वो गोपी भी एक क्षण के लिए फिसलती हुई दिखाई दी, गोपी नहीं लगता, नहीं ऐसा हो पाता, लगता नहीं है लेकिन हुआ ऐसा। रास की भूमिका तैयार, कन्हैया का वंशीनाथ, भगवान अपि तारात्रि, भागवत का बहुत दिव्य श्लोक, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात, भगवान का वंशीनाथ। केवल गोपियों ने सुना, गोपियां आई, रास की तैयारी, जितनी गोपी उतने कृष्ण, लेकिन अकस्मात एक बीच में स्थिति ऐसी आ गई, अंदर का अहम थोड़ा सा जाग उठा, प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार, सबसे बड़ा शत्रु है प्रेम का अहम, ईगो, मैं। और इसीलिए महापुरुषों ने बार बार कहा, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। जब मैं था हरी नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही, मैं था हरी नहीं, हरी है तो मैं ना, दो नहीं। प्रेम की दुनिया में दो एक साथ नहीं रह सकते, प्यार और अहंकार, सबसे बड़ा शत्रु प्रेम का अहंकार है। और इसीलिए जब जब बात आई, जब जब बात आई, एक ही बात कही महापुरुषों ने, संतों ने, ग्रंथों ने। गुरु ग्रंथ साहब में आया, जो तो प्रेम खेलंदा चाओ, सरधर तली गली मुरी आओ। सरधर अर्थात अहंकार को अलग करके आओ। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचय, शीश दिए ले जाए। अर्थात अहंकार छोड़ो, प्यार पाओ। मंदिर गुरुद्वारे या गुरुद्वार गुरु के पास आकर शर्त ही यही कि पहले सर झुकाओ, अर्थात अहंकार को विसर्जित करो, प्रसाद तब मिलेगा। और वो प्रसाद क्या है? वो प्यार है, वो प्रेम है। प्रेम का दुश्मन है अहंकार, अलग दिशाएं। उसी क्षण गोपी के मन में थोड़ा सा अहम जगता है, अपने साधन के बल पर कृष्ण को पा लिया। और वही क्षण होता है कि गोपियां अपने को देखती रह जाती हैं, एक दूसरे को, कृष्ण वहां नहीं होते। प्रेम की ध्वजा, प्रेम का आदर्श, ये स्थिति भगवान ने बनाई, दिखाई कि साधना कितनी भी करो, कहां भी पहुंच जाओ, लेकिन सदैव ध्यान रखो, साधन का अहम बिना आने पाए, ये मैं जहां आएगी वहीं साधन रुक जाएगा, वहीं बाधा बन जाएगी। बहुत उदाहरण, अर्जुन विषाद था नहीं, विषाद लाया गया संसार को दिखाने के लिए कि गीता में वो क्षमता है कि विषाद को भी योग बना दे, जब चारों ओर अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा हो और कोई न खेवन हारा हो, तब उस अवस्था में भी तू ही नैया पार करे। जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे, जय जय श्री कृष्ण हरे। चारों ओर अंधेरा, ये भारत है, ये भारतीय संस्कृति है और ये गीता है। हर स्थिति में मन को जो बैलेंस बना सकता है ग्रंथ, वो गीता है। हर स्थिति में बैलेंस मन का, समत्वम योग उच्चते, मन की समता का नाम योग है। योग समता है, समता योग है। और ये समता आएगी कैसे? संकेत पहले किया, फिर एक बार स्मरण कर लें, जब सम परमात्मा में दृष्टि होगी, मन लगेगा, तो समता आएगी। व्यवहार की बात, गीता में तीन तरह की समता, और उन तीन तरह में सब कुछ आप देखेंगे। छठे अध्याय में आप निकाल कर देखना, सातवां, आठवां और नवां श्लोक,
तीन तरह की समता और बिल्कुल व्यवहारिक बात। कहीं किसी को ये लगे महाराज प्रवचन तो ठीक है, जो अर्जुन ने भी कहा ना योयम योगस्त्वया प्रोक्ता कृष्ण, जो योग की बात आपने प्रोक्ता वर्णन की सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन गोविंद करूं क्या, मन तो चंचल है ना, मन तो चंचल है ना, कहीं ऐसा ना लगे कि सुनने में तो ये सब बातें अच्छी हैं लेकिन व्यवहार में कहां से लाएं। तीन सिद्धांत गीता के, तीन सूत्र गीता के, समता की तीन स्थितियां गीता के, परिस्थितियों में समता, पदार्थों में समता, प्राणियों में समता। बिल्कुल ध्यान यही रखेंगे तो व्यवहारिक जीवन का बिल्कुल नक्शा बदल जाएगा। गीता में यह क्षमता है और ये जो भी है क्षमता, ये गीता की है या गीता के कृष्ण की है, ये कोई निजी बात नहीं हो सकती, निजी क्षमता नहीं। कोई ये कहे व्यासपीठ से ये वाणी या कोई वाणी कि इस कारण से या उस कारण से, बिल्कुल नहीं। कारण तो गोविंद है, गोविंद की गीता है। कल रात्रि में कहीं बात किसी बात की बात में कह रहे थे, जब कहीं थोड़ा कृष्ण नाम चल रहा था और उसमें छोटे बच्चे युवक और पुलिस वाले भी कुछ कृष्ण नाम में मैंने देखा दीवाने हो रहे थे, तो कल रात्रि कहीं परिवार में बैठे थे तो हाँ बात बात में बात कही गई कि श्री राधा जो पूर्व में भी कहीं ना कहीं आपने आपको कही गई होगी ये बात, श्री राधा जो एक बार आ रही थी शाम का समय, दिन भर पतित पावनी कालिंदी यमुना के तट पर अब अष्ट सखियों के साथ लीलाओं के बाद आने लगी। रास्ते में एक सखी ने कह दिया राधे कुछ क्षण मेरी कुटिया में रुकती चलो, पास थे मान गए, श्रीजू चल पड़ी अंदर गई। जब सामने देखा उस सखी ने अपने घर के आंगन में एक फूल, लेकिन मुरझाया हुआ, बिल्कुल टहनी पर लगा हुआ मुरझाया हुआ, और ये सर्वविदित है कि फूल प्रातःकाल खिलता है शाम को मुरझाता है, मुरझा गया। उस सखी ने कहा राधे जब मैं प्रातःकाल घर से गई थी ये फूल बहुत सुंदर खिला हुआ था, अब बिल्कुल मुरझाया पड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा ना राधे। श्रीजू ने कहा एक मिनट के लिए मैं देखती हूं, घुटनों के बल उस फूल के निकट बैठी अपलक निहारने लगी, अपलक निहारती रही निहारती रही। थोड़ी ही देर में वो फूल दोबारा से खिलना प्रारंभ हो गया, इतना अच्छा खिला, इतना अच्छा खिला कि बस देखती ही रही वो सखी पीछे खड़े, बहुत सुंदर लगने लग गया, प्रातः काल से भी कहीं सुंदर। उस सखी ने कहा राधे तू कोई जादूगरनी है क्या? श्री राधा जी ने कहा नहीं सखी ऐसा तो कुछ नहीं। कहा राधे कभी सुना नहीं देखा नहीं कि मुरझाया हुआ फूल दोबारा खिला हो, लेकिन ये दोबारा खिला फूल कोई जादू तो तूने किया है? ना सखी मैंने कोई जादू नहीं किया। फूल कैसे खिला? श्री राधा जी ने कहा सखी सच बताओ मैंने तो इस फूल के निकट बैठकर वो भी मन ही मन केवल इतना सा कहा कि कैसे मुरझाया पड़ा है, आ तुझे कन्हैया के मुकुट में सजा दो। मैंने तो केवल इतना सोचा था और इस फूल के लिए मन में ये भाव बनाया था कि कैसे मुरझा रहा है, आ तुझे कन्हैया के मुकुट में लगाऊं। सखी लगता है कि कन्हैया के मुकुट में लगने और सजने की बात किसने सुनी है
और उसी आह्लाद में ये दोबारा खिल उठा है कि कन्हैया का मुकुट। मेरा जादू नहीं सखी, अगर जादू है भी तो ये तो कृष्ण नाम का जादू है, कृष्ण नाम का। गीता में क्षमता है व्यवहार को बदलने की, लेकिन ये ध्यान व्यवहार को इस रूप में नहीं, संसार नहीं बदलेगी गीता, संसार को देखने का विचार बदलेगी गीता। सृष्टि नहीं बदलेगी गीता, सृष्टि को देखने की दृष्टि बदल देगी गीता। और जब दृष्टि बदल जाएगी तो सच मानो सृष्टि बदल जाएगी। विचार बदल जाएगा तो संसार वो नहीं रहेगा जो पहले दिख रहा था। ये संसार बंधन का कारण नहीं रहेगा, ये संसार दुख का कारण नहीं बनेगा, यही संसार आनंद का आधार बन जाएगा। देखने की दृष्टि बदलेगी जब तो परिस्थितियों में समता, पदार्थों में समता और प्राणियों में समता। श्री गीता जी का 7वां 8वां 9वां श्लोक 6 अध्याय, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान्यो, ये 7वां श्लोक। लेकिन पहली पंक्ति ध्यान की, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, जब मन परमात्मा में समाहित होगा, प्रशांत शांत हो जाएगा मन, और उसके बाद क्या होगा, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान्यो, सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख सब में ये दृष्टि बन जाएगी। सर्दी है तो भी तेरी लीला है, गर्मी है तो भी तेरी लीला है, क्योंकि है तो तू ही, सर्दी के रूप में भी तू ही है और गर्मी के रूप में भी तू ही है। और सच्चाई भी तो यही है, शांति भी तो इसी में है। कल इशारा किया था, नहीं तो तापमान देख देख कर अपने मन का तापमान बिगाड़ते रह जाओगे, और जब ये देख लोगे बरसात है तो भी तेरी लीला, सर्दी है तो भी तेरी लीला, गर्मी है तो भी तेरी लीला, और कर भी क्या सकते हैं, कि कर सकता है कुछ क्या, उसके भाव का आनंद लो संसार में। संसार में रहकर बाहरी रूप में संसार में रहें, लेकिन अंदर से उसके भाव के आनंद में रहें, उसके भाव के आनंद। चिंतन हो या भजन हो, यदि भजन भी अर्थ के साथ है भाव के साथ है, तो वो भी वृत्ति को वहीं एकाग्र करता है। बात वहीं, तस्य वाचकः प्रणवः लेकिन तद जपस तदर्थ भावना। पतंजलि योग में ये सूत्र है दो, परमात्मा का नाम लेकिन उसका जाप कैसे, तद जपस तदर्थ भावना। भजन भी अर्थपूर्ण और भावपूर्ण हो, चित्तवृत्तियों को खींचे खींचती है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। समर्पण, बिल्कुल समर्पण की एक व्यवहारिक स्थिति है। परिस्थितियों में समता, पदार्थों में समता, दृष्टि उस पर जो है वो सब उसी का। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था, सारी व्यवस्था तेरे हाथ पर है भी। अच्छा मान लो, एक बात सोचे, सब मान लो हम उसके हाथ में न भी दें व्यवस्था, अपने हाथ में रखें, तो क्या हमारे इशारे पर चलेगी व्यवस्था? जल्दी सोचो, क्या हमारे इशारे पर चलेगी?
क्या सूर्य हमारे इशारे पे चलेगा, क्या वर्षा का होना या ना होना हमारा इशारा काम करेगा, क्या हवाओं के पीछे हमारा इशारा काम कर रहा है। विचार करते जाओ। चंद्रमा का शुक्ल पक्ष कलाएं बढ़ना, कृष्ण पक्ष कलाएं घटना, क्या किसी वैज्ञानिक के इशारे पर हो रहा है, किसका इशारा है ये। सारी प्रकृति को देखो, व्यवस्था किसके हाथ में है, तेरे हाथ में है सारी व्यवस्था। दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। रात को ही रात, प्रभात को प्रभात, शाम ही को शाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम। चलो बाहर ना सह, अपनी व्यवस्था अपने इशारों पर चला लो। चलती है क्या? जवानी के बाद बुढ़ापा ना आने दो, अपना इशारा रखो कि नहीं यही है। चलेगी किसी की व्यवस्था, ये उसकी व्यवस्था है। वृद्ध अवस्था आने पर शरीर धीरे 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 स्थिति, सूर्य उदय होना बढ़ना घटना अस्तांचल की ओर, धीरे धीरे स्थिति, ये उसकी व्यवस्था है, किसी के हाथ में थोड़े ना है। कोई रोक पाया क्या? जवानी को बुढ़ापे में जाने से कोई रोक पाया क्या? व्यवस्था है। बालों को काले से सफेद होना है, कोई चाहता है क्या? लेकिन होते हैं, व्यवस्था है उसकी। कभी सर में दर्द होता है, शरीर है, ठीक है, अपने हाथ में थोड़े ना, कौन चाहेगा कि ऐसा हो, होता है, हो जाता है। अंदर का सिस्टम देखें आप, रक्त बन रहा है, किसकी व्यवस्था है? किसी वैज्ञानिक की। रक्त हर नस में पहुंच रहा है, किसकी व्यवस्था? हार्ट पल्पिटेशन चल रही है, हृदय की धड़कन लगातार, किसकी व्यवस्था है ये? कौन चला रहा है? वही तो, व्यवस्था उसी की है। ये अंदर की प्रकृति हो या बाहर की हो, व्यवस्था तो उसी की है। बस बुद्धिमत्ता इसी में है कि दृष्टि में वो आए, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। अर्जुन ने जो लगाम कृष्ण के हाथों में थमाई, उसका तात्विक अर्थ यही है। ये केवल एक घटना नहीं, बड़ी तात्विक प्रेरणा है। अर्जुन ने कहा, गोविंद शस्त्र नहीं हाथ में लेना, आपने प्रतिज्ञा कर ली, ठीक, कहूंगा भी नहीं आपसे, मत लेना। लेकिन ऐसी कोई प्रतिज्ञा तो आपने नहीं की ना कि लगाम हाथ में नहीं लेनी ना पार। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने एक ओर जहां पूरे देश में सत्संग सेवा सुमिरन सद्भाव को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है, वहीं दूसरी ओर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी श्री कृष्ण कृपा साहित्य का सृजन भी किया है। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन सनातन धर्म की परंपराओं का। गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए, इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवद् गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के प्रवचन एवं भजन की डीवीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, भारत।